बच्चों, गत कालांश में हमने भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी। अब हम उन परिस्थितियों पर चर्चा की थी, अब हम आगे भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियां जो हैं उस पर प्रकाश डालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि वह युग राष्ट्रीय आंदोलनों का युग था, हमारी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष जो है बराबर तेज गति के साथ, तीव्र गति के साथ जो है वो बढ़ रहे थे। ऐसे में साहित्य की भूमिका, भारतेंदु जी की काल की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। हम इस प्रवृत्तियों की ओर प्रकाश डालते हुए सबसे पहले जो बात है वो प्रवृत्ति थी राष्ट्र प्रेम की भावना। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी जो सजग राजनीतिक चेतना का जो है परचम लहराया था, विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित जो भारतीय जनता थी उसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण का चित्र उतारते हुए जनता को इन शब्दों में सचेत किया था। उनकी पंक्तियां भी हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस तरह अंग्रेजों पर सीधा प्रहार उन्होंने किया था। इसी काल में जो और अन्य कवि थे उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, जिसमें राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश और राधा कृष्णदास द्वारा रचित भारत द्वारे मासा भी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद ने अंग्रेजी शासन के गुणों की चर्चा करते हुए भी उनके द्वारा किए जाने वाले जो शोषण था उनका उल्लेख अपनी कविताओं में किया है। उनकी कविता अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चल जात यह अति कुवारी। अपने देश से जो है वो लूट लूट कर सारा धन दौलत वो इंग्लैंड की ओर ले जा रहे थे, उस ओर जनता को आकर्षित करने के लिए कि ये धन दौलत हमारी ही है। इसको उन्होंने जो है इस पंक्ति के माध्यम से कही थी। अगली जो बात आई वो थी सामाजिक दुर्दशा। रीतिकालीन कवियों ने भारतीय समाज और जनजीवन के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्योंकि रीतिकालीन कविता में समाज एवं जनता की पीड़ा से जो रीतिकालीन कविताएं हैं उनका कोई सरोकार नहीं था। इस कारण जो है वो रीतिकालीन कविता के प्रभाव को दूर करने के लिए भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में नई चेतना जागृत की। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। नारी शिक्षा के भी समर्थक थे, विधवा विवाह को वो प्रोत्साहित करते थे तथा बाल विवाह की वर्षना उन्होंने अपने काव्य में की। इसी के साथ उन्होंने सती प्रथा, छुआछूत आदि के भी विरोधी रहे। सामाजिक क्रूरियों, धार्मिक पाखंड, स्वार्थपरता आदि का निरूपण उन्होंने बेहिचक किया है। भारतेंदु जी की निम्न पंक्तियाँ इस दर्द को बेखूबी व्यक्त करती है। रो वो मिलई सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखई न जाए। बाल विधवाओं की जो दुर्दशा का निरूपण था वो प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी कविता में किया। कौन करे जो नई कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी ने भी अपनी कविता में कहा कि मैं हाय हाय दे धाय पुकारी रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। इस तरह उन्होंने भारत की दुर्दशा की जो है चित्रण कवियों ने करके भारतीयों का जो है ध्यान आकर्षित किया और उन्हें बताया कि ये सारी संपत्ति, ये सारा अधिकार तुम्हारा है जिसे अंग्रेज लूट रहे हैं।
तीसरी जो प्रवृत्ति इस काल में दिखाई देती है वो है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में रीतिकालीन क्योंकि प्रवृत्तियाँ थीं और इस रीतिकालीन प्रवृत्ति का प्रभाव था, तो श्रृंगार का जो है विशद चित्रण इस काल में होता था। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण इन्होंने नायक नायिकाएं की सामान्य चेष्टाओं के रूप में किया था। भारतेंदु जी की रचनाएं जिसमें हम प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि जो है इनकी रचनाएं हैं, जिसमें उन्होंने श्रृंगार की मधुर अभिव्यक्ति की थी। एक चित्र इन पंक्तियों में दिखाई देता है, शिशुता आई अजी न गई तनते, तव जीवन ज्योति बटोर लगी, सुन के चर्चा हरिचंद की, कानन कुन कूक दे भोए मरोर लगी। इस तरह नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का चित्रण कवि इस पंक्तियों में कर रहा है। भारतेंदु की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश है। प्रेमघन ने भी अपनी रचनाओं में श्रृंगार वर्णन को प्रमुखता से उपलब्ध किया। भारतेंदु जी ने सौंदर्य प्रेम विरह नक्षिक वर्णन के माध्यम से श्रृंगार चित्रण किया। कहीं कहीं तो उनका श्रृंगार वर्णन जो है वो घनानंद जैसी सरसता से युक्त दिखाई देते हैं। जैसे आज लो जो न मिले तो का हम तो तुमने सब भांति कहावे, मेरी उड़ानों के कछुनाई सबे फल आपने भाग को पावे। प्रताप नारायण मिश्र जो राधा कृष्णदास जो कवि हुए उनकी कविता में इस तरह का श्रृंगार भाव कहीं नहीं दिखाई देता है। बाकी जो अन्य कवि हैं उन्होंने इस श्रृंगारिकता का चित्रण किया है। इसी के साथ जो अगली प्रवृत्ति है वो है भक्ति भाव। भारतेंदु जी की जो है वो प्रवृत्ति रही पुष्टि मार्ग की हो। वे दीक्षित कृष्ण भक्त थे, ईश्वर के प्रति उनका दृढ़ विश्वास व्यक्त होता था और वे दीनता के साथ अपनी पंक्तियों में भी दिखाई देते हैं। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज। राधा कृष्ण की जो मधुर छवि का अंकन भारतेंदु जी ने किया है वो तारीफ़ काबिल है। उन्होंने अन्य पद भी इसी तरह के कहा जिसमें उन दोनों की भक्ति भावना दिखाई देती, जैसे नैन भरी देखी लो ये जोरी, मन मोहन सुंदरता नर नागर सी, श्री वृषभानु किशोरी। इस तरह उन्होंने अपनी प्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाई है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासनाओं की निसारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। प्रकृति चित्रण भी इस काल में हुआ। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया। उन्होंने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रण किए। दूसरी ओर गंगा, जमुना, चांदनी का सुंदर चित्रण उनके काव्य में दिखाई देता है। चंद्रावली नाटिका जो है जिसमें यमुना वर्णन किया है, यमुना के तट पर खड़े तमाल वृक्ष कैसे लग रहे हैं, इसका चित्रण उन्होंने बखूबी किया है जो इनकी इन पंक्तियों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सों जल परसन हित मनहु सुहाए। इस तरह जो है उन्होंने यमुना तट पर जो वृक्ष का झुंड है और जो सौंदर्य है उसका चित्रण इस पंक्तियों में किया है। बंदी बंधाई परिपाटी पर प्रकृति का आलंबन रूप और अलंकृत रूप यही भारतेंदु जी की कविताओं में अधिक मिलता है। अगली जो हम बात करेंगे वो अगले सत्र में करेंगे।
कि उनकी और क्या प्रवृत्तियां रही उस काल में, जिसका प्रभाव हमारे आने वाले कविताओं पर भी पड़ा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सत्र में।